अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है शहजादा अली सलमान आगा खान, जिन्हें अली खान के नाम से जाना जाता है। वो ईरानी और अतालवी नसाद पाकिस्तानी सफारतकार थे। आगा खान तीन के बेटे और आगा खान चहारम के वालिद थे। सलमान अली आगा खान एक मारूफ शख्सियत थे और चीदा हलकों में तस्लीम किए जाते थे। वो रेस हॉर्स के मालिक और जाकी और अदाकारा रीटा हैमरत के तीसरे शौहर थे। आगा खान के तौर पर जानशीनी के लिए मंजूर होने के बाद उन्होंने साल 1958 से 1960 तक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जहां वो जनरल असेंबली के नायब सदर बन गए। इनकी नस्ल का ताल्लुक फारसी काजार खानदान के काजार बादशाह फतेह अली शाह से है। इनको बरतानवी हुकूमत ने साल 1938 में बशुक्रिया के तौर पर इनके लकब को तस्लीम किया था। आइए अब बात करते हैं अली खान की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। अगर उनके वालदैन की बात की जाए तो इनके वालिद कराची बरतानवी हिंदुस्तान, जो कि अब जदीद पाकिस्तान है, में पैदा हुए थे। इनकी माँ अतालवी थी। इनके दादा दादी ईरान में पैदा हुए थे। इनके दो भाई थे जिनका नाम था शहजादा जोसेफ मेहदी आगा खान, जिनका इंतकाल साल 1911 में हुआ, और अपने वालिद की तीसरी शादी सदरुद्दीन आगा खान से वो पैदा हुए थे। अली खान ने अपने बचपन में हिंदुस्तान और फ्रांस में निजी मुअल्लिम से तालीम हासिल की। बाद में उन्होंने बरतानिया में बतौर वकील तरबियत हासिल की। एक 12 साल लड़के के तौर पर वो और सन वेल्स को जानते थे। बरसों बाद वह दोनों रीटा हैवरथ के शौहर थे। साल 1929 में प्रिंस अली आगा खान ने फ्रांसीसी गैर मुल्की लश्कर में शमूलियत इख्तियार की और मिस्र और मशरिक़ वस्ता में इसके कैवलरी डिवीजन के साथ खिदमात अंजाम दी। साल 1940 में उन्होंने रॉयल वेल्ट शायर यूमनरी में शमूलियत इख्तियार की। साल 1944 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। इसी साल उन्होंने अमेरिका की 7वीं फौज के साथ फ्रांस के जनूब में इत्तहादी अफवाज की लैंडिंग में हिस्सा लिया। कप्तान के अहदे के साथ एक राबता अफसर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, इसलिए इन्हें साल 1950 में लेजेंड ऑफ ऑनर में अफसर बनाया गया था। इन्हें क्रूक्स डी गोरे और यूनाइटेड स्टेट्स ब्रॉन्ज स्टार मेडल से भी नवाजा गया। शहजादा अली खान को साल 1957 के दौरान एक फौजी तकरीब में नई उठाई गई 4 कैवलरी रेजिमेंट के पहले कर्नल के तौर पर तैनात किया गया था और उन्होंने ये एजाज़ अपनी मौत तक बरकरार रखा। नवंबर 1957 में अली खान ने पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्ज़ा से मुलाकात की और इन्हें अक़वामे मुत्तहिदा में मुल्क के सफ़ीर के ओहदे की पेशकश की। तकर्री का बाकायदा ऐलान 6 फरवरी साल 1958 को किया गया था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की सियासी और सलामती कमेटी के रुकन के तौर पर अली खान की अक्वामे मुत्तहिदा में मुख्तसर नुमाइंदगी को बहुत से मुबस्सरीन ने हैरत से देखा, जिनमें से कुछ ने इन्हें एरन डिन का एशियाई अफ्रीकी जवाब समझा, जो एक अमरीकी फिल्म स्टार के लिए नहीं जाने जाते थे। इनकी सियासी महारत को जनरल असम्बली में रियासतहाए डून मुत्तहिदा के वफ्द का रुकन नामजद किया गया। ज़्यादातर इनकी रिपब्लिक फंड रेजिंग की कोशिशों के एतराफ में इन्हें जाना गया। वो 17 सितंबर 1958 को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नायब सदर के तौर पर मुंतखब हुए और अक़वामे मुत्तहिदा की अमन मुशाहिदा कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। शहजादा अली खान फ्रांस, इंग्लैंड और आयरलैंड में रेस के घोड़ों के मशहूर मालिक और पालने वाले थे। इंग्लैंड में मुतअद्दिद मौक़े पर
जीतने वाले ट्रेनर नोल मुरलीस ने अपने जवाना निगार को बताया कि अपनी बेपनाह दिलकशी के अलावा शहजादा अली खान इंतहाई जहीन, घोड़े के जज और फॉर्म और अफजाइश के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते थे। शायद ये कहना मुनासिब है कि बैनुल अक्वामी रेसिंग के इस तजर्बे के बायस वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जज थे और इनका नस्ब के बारे में मिजाज मुनफरिद था। आगा खान सोम रेस घोड़ों के एक मुमताज़ मालिक और पालने वाले थे। दूसरी आलमी जंग के बाद अली खान ने अपने वालिद के रेसिंग के मुफादात में आधा हिस्सा खरीदा। शराकत दारी के लिए इब्तदाई कामयाबी ने इन्हें साल 1947 से 1949 और 1952 तक जीतने वालों की फहरिस्त में सर फहरिस्त रखा। मई 1960 को अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर अपनी तकर्री के दो साल बाद अली खान को पेरिस के मुजाफाती इलाके सूरसंस फ्रांस में एक ऑटोमोबाइल हादसे में सर पर तबाह कुन चोटें आईं जब वो चला रहे थे कि कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई। बुलेवार्ड हेनरी सिलियर और रिडोव मॉन्ट विलेरियन के चौराहे पर गाड़ी जब वो और इनकी हामला मंगेतर बेटीना एक तकरीब में जा रहे थे, इसके फौरन बाद वो फौज अस्पताल में इंतकाल कर गए। बेटीना अपनी पेशानी पर मामूली चोट के साथ बच गई, हालांकि हादसे के सदमे के नतीजे में इस्काते हमल हो गया। शहजादे अली खान के ड्राइवर जो पिछली सीट पर थे वो भी बच गए, जैसे कि आने वाली कार का ड्राइवर भी बच गया। शहजादा अली खान को फ्रांस के जनूब में वाकई इनके घर की ज़मीन पर दफन किया गया था, जहां ये इरादा किया गया कि वो शाम में इनके मकबरे तामीर होने तक वहीं रहेंगे। इनकी बाकियात को 11 जुलाई 1972 को दमिश्क शाम ले जाया गया और इन्हें सलामिया शाम में दोबारा सपुर्दे खाक किया गया। तो नाजरीन, ये थी शहजादा अली खान के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। अगर आप हमारी इस वीडियो से मुस्तफीद हुए हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।